करीना खान। आज हम मौजूद हैं बरेली क्लब में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हमारे सामने एक बैनर लगा हुआ है, सामूहिक विवाह समारोह। सामूहिक विवाह समारोह का यहाँ पे एक आयोजन किया जा रहा है, बहुत बड़ा एक आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें लगभग 521 जोड़े सामूहिक विवाह में यहाँ पे शामिल होंगे। जिसमें बताना चाहूँगी आपको कि मुस्लिम और हिंदू दोनों ही धर्म के यहाँ पे जोड़े होंगे। और ऐसा यहाँ बरेली में पहली बार हो रहा है, श्रम विभाग की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कितना विशाल पंडाल लगा हुआ है यहाँ पर, और देख सकते हैं इस पंडाल की जो साइड में दूसरा पंडाल लगा हुआ है वो मुस्लिम विवाह के लिए है। मुस्लिम्स में देखा जाता है कि पर्दे को ज़्यादा पर्दा होता है, इसलिए वहाँ पर उनके लिए अलग से पंडाल लगाया गया है। और देख सकते हैं आप किस तरह से नए हवन कुंड भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। आज जो आपको ये कुर्सियाँ खाली नज़र आ रही हैं, कल इसमें लोग होंगे, कल ये कुर्सियाँ खाली नहीं होंगी। और देख सकते हैं जो लड़के लड़के यहाँ पे विवाह में शामिल होंगे उनके साथ बैठने के लिए ये व्यवस्था की गई है, और उनको साथ में कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे किस तरह से नए हवन कुंड भी तैयार किया गया है उनकी शादी के लिए। बताना चाहूँगी सरकार की ओर से ये बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से आला अधिकारी निरीक्षण के लिए बार बार आ रहे हैं कि इस आयोजन में कोई भी कमी ना रहे। बार बार आला अधिकारी आकर निरीक्षण कर रहे हैं जगह का। लगभग हम देख सकते हैं ज़्यादातर तैयारियाँ अधिक अभी चल रही हैं, और वहाँ पर एक स्टेज भी बनाया गया है जो हमारे जो चीफ गेस्ट यहाँ के आएंगे उनके लिए एक स्टेज भी तैयार किया गया है। और सरकार की ओर से ये एक बहुत बड़ी मदद साबित होगी, क्योंकि इसमें जितने भी जोड़े आएंगे उनको सरकार की ओर से 75,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं, और उसके साथ इनका शादी का जो भी तैयारियाँ होंगी सरकार की ओर से ही की जा रही हैं। आप देख सकते हैं इधर एक दूसरा पंडाल भी सजाया गया है जिसमें खाने की सारी व्यवस्था होगी। बरेली क्लब मैदान के अभी हम दूसरे पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा पंडाल लगाया जा रहा है, टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर। ये खाने की व्यवस्था की जा रही है, जो भी जोड़े आएंगे या उनके माता पिता जो भी साथ में होंगे उन लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे श्रम विभाग की ओर से। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेज भी तैयार किया गया है। शादी के बंधन में बंधने के बाद जोड़े जो होंगे वो फोटो क्लिक करा सकते हैं यहाँ पर, उसके लिए एक स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे स्टेज तैयार किया जाएगा जिसमें फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं जोड़े। और कल आप इंतज़ार करिए कल आपको शादी की पूरी कवरेज देखने को मिलेगी। देखते रहिएगा हमें प्रचार। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आला अधिकारी मौजूद हैं जो कि निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। सारी तैयारियाँ अभी चल रही हैं, देखने आए हैं कि यहाँ पे तैयारियाँ कितनी पूरी हो चुकी हैं। चीफ गेस्ट जो यहाँ कल मौजूद रहेंगे उनके लिए आप देख सकते हैं किस तरह से एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। लगभग सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। अभी आप देख सकते हैं जो कल परिणय सूत्र में जो बनेंगे 521 जोड़े, लगभग 521 जोड़े हैं, उनके लिए यहाँ पगड़ियाँ भी तैयार की गई हैं। उनके लिए शादी के जो भी जोड़े होंगे वो यहाँ से मुहैया कराए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनके शादी के जो भी सामग्री होगी वो यहाँ से ही इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मैं अजीत कुमार कनौजिया। अजीत जी, जैसा कि आप निरीक्षण करने आए हैं, कल बहुत बड़ा आयोजन है बरेली के अंदर, क्या आयोजन है और क्या तैयारियाँ हैं कुछ बता दीजिए जरा। श्रम विभाग के अंतर्गत एक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है, जिसके अंतर्गत कई योजनाएं संचालित हैं। उसी में एक योजना है कन्या विवाह योजना, इसके अंतर्गत सामूहिक विवाह मंडल कार्यालय बरेली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें 521 जोड़ों का सामूहिक विवाह रखा गया है 3 फरवरी 2019 को। इसमें हमारे माननीय श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पधार रहे हैं, और राज्य मंत्री मन्नू पुरी साहब पधार रहे हैं, मंडलायुक्त साहब रहेंगे, डीएम साहब रहेंगे। जो जोड़े आएंगे, जोड़ों के लिए क्या और भी कुछ आप लोग की तरफ से क्या तैयारियां जोड़ों के लिए? जोड़ों को केवल लड़का लड़की को आना है, उनके माता पिता को आना है, और सारी व्यवस्था यहाँ विभाग की तरफ से की गई, उनको कुछ लेकर नहीं आना है। एक छोटा सा बता दीजिए, मतलब किस तरीके की व्यवस्था उनके लिए की गई है, क्या उनको दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से उनको 75,000 रुपये दिए जाएंगे सहायता के तौर पर, और बाकी खाने पीने की व्यवस्था, शादी का पूरा इंतजाम, शादी में जो भी सामान लगेगा जयमाला से लेकर सिंदूर तक, और मुस्लिम जोड़ों के लिए जो भी व्यवस्था है, जो भी जरूरतें हैं, सारा श्रम विभाग कर रहा है, सारी व्यवस्था श्रम विभाग कर रहा है। अच्छा, ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार हिंदू और मुस्लिम दोनों जो सामूहिक विवाह में प्रथम बार ऐसा हो रहा है, या इससे पहले भी कभी हुआ है? श्रम विभाग की तरफ से ये पहली बार सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, और इसमें सभी धर्मों को जितने भी जो लाभार्थी हैं जिस भी धर्म के,